मोदी ही मोदी है, मोदी जैसा कोई नहीं है। रह गया देखेंगे, एक महीना और रह गया बस सरकार चेंज। राहुल गांधी का सपना पूरा हो पाएगा प्रधानमंत्री? मतलब कभी भी नहीं, इस जन्म में तो नहीं होता। बाकी हमें कुछ नहीं पता, बस मोदी जिंदाबाद। मोदी ने देश के लिए काम करा है, इन्होंने अपने लिए काम करा है। नहीं, राहुल गांधी तो वैसे पत्थर इकट्ठे करेगा सड़कों के। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। आज यमुनानगर पहुंचे हैं, मीराबाई बाजार है और जनता है। जनता की राय बेबाक लेंगे कि आखिरकार 2019 में यमुनानगर क्या सोच रहा है, यहां की जनता क्या सोच रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी। इसी सवाल को जनता से पूछेंगे बेबाक, आइए मेरे साथ। तो जी, मोदी जी ने बढ़िया करा है कि नहीं करा? मोदी ने बहुत अच्छा करा और मोदी जैसा कोई नहीं कर सकता। जैसा मोदी प्रधानमंत्री आया ऐसा आज तक ना आया ना कभी आएगा, और अब भी चुनाव होंगे ना तो मोदी ही आएगा। हम राहुल गांधी भी लगे हुए हैं अब तो। राहुल गांधी ने, राहुल गांधी के खानदान ने जो करा आज तक सबने देखा है। अच्छा। हाँ, तो आपको लगता है कि मोदी जी दोबारा आ जाएंगे? दोबारा आएंगे और मोदी ही आएंगे, और मोदी को ही आना चाहिए अगर देश को बचाना है तो। मोदी ही मोदी है, मोदी जैसा कोई नहीं है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो ठीक है, लेकिन घपले बहुत हो रहे हैं। हम लोग दुकानदार है, GST हम 13 लाख रुपए GST दे दिया, हमें क्या फायदा? ये टूटी हुई सड़क हमारे लिए क्या है? ये GST लगानी होती ना फॉरन की दे रहे। आप तो चोर हैं सारे, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं, चाहे लोकदल वाले हैं, चाहे BJP वाले, सारे चोर हैं। करोड़ों रुपए बनाए हुए हैं, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यमुनानगर क्या देख रहा है? यमुनानगर तो देख रहा है मोदी आ रहे हैं, बाकी गठबंधन भी हो रहे हैं तमाम राज्यों में। आपको क्या दिख रहा है? गड़बड़ा है मामला की चले जाएंगे साथ? उसका नहीं पता जी, मार्को यमुनानगर में तो यही कह रहे हैं मोदी आ रहे हैं। क्या हाल है जी, कौन आ रहा है जिस बार, मोदी या राहुल? मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है? हाँ, मोदी आ रहा है। ऐसा काम किया मोदी ने? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। बढ़िया लगा आपको उनका काम? बहुत बढ़िया लगा। और राहुल गांधी के बारे में तो बोल दो, वो कैसे लगे? वो मुझे अच्छा नहीं लगते। चुनाव आ गए, अब आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है इन चुनाव में, मोदी आ रहे हैं राहुल आ रहे हैं? मोदी से बेटर तो नहीं है यार, मोदी बेटर नहीं है। मायावती है मोदी से बेटर? अरे कोई भी नहीं है यार, मोदी मोदी ही है, मोदी मोदी है। और बाकी कौन दिख रहा है आपको? अब तो सारे मिल गए, अखिलेश भी मिल रहे हैं, उधर ममता बनर्जी ने भी सबको बुला लिया। निकल जाएंगे मोदी या गिर जाएंगे? मिलेगा भैया, निकलेगा मोदी। अच्छा, निकलेगा तो मोदी ही निकलेगा। मोदी ही निकलेगा? मोदी ही निकलेगा। और फंसेगा कौन? फंसेगा तो देखो भाई, सारी पार्टियां एक साइड पे है, कौन कौन निकल रहा है? कांग्रेस ने काम ही नहीं किया कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं किया उसने जी। कांग्रेस तो कह रही है हमारी सत्ता कहाँ है उसके? नहीं, सत्ता इससे पहले तो सत्ता कांग्रेस की थी। अच्छा। इस क्या करके दिखाया उसने? वो कहते हैं ना मोदी हमारे काम को लागू कर रहा है। अगर वो तुम्हारे काम को लागू करता 60 साल में तुमने क्यों नहीं पूरे कर दिए? उसने 3.5 साल में पूरे कर दिए वो काम। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे या राहुल गांधी फंसा जाएंगे? कुछ नहीं, राहुल गांधी तो वैसे पत्थर इकट्ठे करेगा सड़कों के। मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। इतना प्यार क्यों मोदी से? अरे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं भाई, मोदी ही आएगा, प्यार नहीं है। मोदी जी या कोई और? मोदी जी जिंदाबाद। राहुल जी जिंदाबाद क्यों नहीं? राहुल जी मुर्दाबाद। प्रियंका जी? मोदी जिंदाबाद। बाद बाकी हमें कुछ नहीं पता, बस मोदी जिंदाबाद। मोदी ने देश के लिए काम करा है, इन्होंने अपने लिए काम करा है, देश बढ़िया, मोदी जिंदाबाद। बस जब जिंदाबाद कह दिया जिंदाबाद। अच्छा, गरीब आदमी बोझ इतनी पत्ती पर पहुंचना कोई आसान बात है? तुम्हें कितने साल, आप भी पत्रकारी कर रहे हो वहीं के वहीं, मोदी कहाँ, कांग्रेस कहाँ? मोदी मोदी है भाजी, मोदी मोदी नेता कोई जम नहीं सकता। राहुल भी नहीं जमेंगे इस बार? सवाल ही पैदा नहीं, राहुल क्या है उसके सामने? वो देश के लिए उसने अपना परिवार छोड़ दिया भाजी, इतना बड़ा परिवार छोड़ दिया। आपको क्या लग रहा है जी, कौन? मोदी सर, एब्सोल्युटली मोदी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता और मायावती सारे मिल गए अब तो? नहीं नहीं सर, इनके मिलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, एक भारी है सब पे, भारी है बिल्कुल सर। है जी, जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए। अच्छा। पब्लिक देख रही है, वोट पब्लिक ने डालना है, इन्होंने नहीं डालना है। अच्छा। ये चाहे 100 इकट्ठे हो जाए, 200 पार्टियां इकट्ठे हो जाए, मोदी अकेला ही बहुत है। आपको क्या दिख रहा है जी बाबू जी? मोदी आएगा। आपने तो बहुत चुनाव देख लिए होंगे। मोदी जीता। ठीक है जी, आपको क्या दिख रहा है जी, मोदी जी कर पाएंगे वापसी या गिर जाएंगे? मोदी बनेंगे, बनेंगे मोदी जी। दिल कह रहा है आपका? दिल कह रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, बनेंगे मोदी। राहुल जी भी तो लगे हुए हैं, प्रियंका भी आ गए कांग्रेस? कुछ नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। आपको क्या लगता है जी, कुछ किया मोदी जी ने जो आएंगे वापस? बहुत कुछ किया मोदी ने, बहुत कुछ किया, मोदी बनेगा। अच्छा,
क्यों जी, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल मोदी जी, देश के भले के लिए मोदी, देश के भले के लिए, भले के लिए मोदी। वो कह रहे हैं कि हम आते ही कहीं कर्जे माफ कर देंगे, हमने जो वादे किए। वो आदमी मेहनत नहीं करेगा उसको कर्जे माफ कर दोगे क्या फायदा? अच्छा, वो तो फ्री में है, वो तो फ्री में है, क्यों करें? पब्लिक के पैसे दूसरों को बांट के दे रहे, क्यों? जिसको जो है उसको दे, देश का भला मोदी से, देश का भला मोदी। बिल्कुल जी, मोदी करेगा जी भला, कर रहा भला। अच्छा, हाँ जी, तो पार्टी चलाएंगे कि अब ये कर्जे माफ करेंगे? ये तो पब्लिक का पैसा है ना, फंड माफ कर दे, अपने फंड से माफ करो। अच्छा, पता लगे पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं होगी, आप बताओ। तो कर्जे माफ करने हैं वो अपने फंड से, अपने फंड से करो ना, अपने फंड से करो, वो भी कानून आने वाला है। अच्छा, मोदी जी आएंगे, राहुल जी कहाँ है? राहुल तो अभी सीखे जरा 10-12 साल, अभी अभी फेल है, तो तभी तो अपनी अपनी बहन को लेके आया साथ। आपको लगता है कि प्रियंका इसलिए आई कि राहुल फेल हो गए? राहुल फेल हो गया, प्रियंका उसकी हेल्प के लिए आई, अभी इसकी तो चलती नहीं कहीं भी। लेकिन 3 राज्य जीतने के बाद आए ना? 3 राज्य जीते कहाँ हैं भाऊजी? मध्य प्रदेश में तो परसेंटेज बीजेपी की ज्यादा है। अच्छा, वो सीटें ही है ना, 3-6 सीटें वो 250 के 300 के आंकड़े पे हर गए, तो इसलिए उनकी मेजोरिटी आ गई। अच्छा, तो वैसे तो मध्य प्रदेश नहीं हरे, ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की परसेंटेज वोट थोड़ी टूटी है। तो लगता है वापसी आ जाएगी? बाकी देखो, मोदी के काम है, हमारा एरिया है, आज तक सड़क नहीं बनी थी, मोदी के राज में आए सारे एरिया में सड़कें बनी हैं, हर गली की नाली सड़क सब पक्की हुई है, लोगों के गैसों की जो लंबी लंबी लाइनें लगी थी कांग्रेस राज में वो ख़त्म हो गई, लोगों को घर गैस मिलती है, रेलवे के ठीक हो गया, रिजर्वेशन ठीक हो गई, हॉस्पिटल में चले जाओ दवाई मिलती है लोगों को। तो इतने सारे मिल गए, अब भी आपको लग रहा है कि आ जाएंगे? ये जो मिले हैं ना जी, ये 2014 में भी मिले हुए थे। अच्छा, सिर्फ अलग अलग उस समय डाल रहे थे, अब इकट्ठे होकर डाल रहे हैं। ये जरूरी तो नहीं है जो मिले हैं उन्होंने वोट दे देनी है। अच्छा, वोट तो लोगों की मिलनी है, वोट जरूरी तो नहीं वोट मिल जाए इनको, ये भी ये इकट्ठे हो गए हैं, मायावती मुलायम सिंह इकट्ठे हो गए हैं, अखिलेश भी वोटें पड़ जाएंगी, ये जरूरी नहीं है। चौधरी कभी भी नहीं वोट डालते मायावती को। मोदी जी का शासन देख लिया 5 साल, बिल्कुल, इस बार किसका देख रहे हो 2019 में? भैया मोदी साहब से बिल्कुल संतुष्ट हैं और उन्हीं को ही बस प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। वोट भी करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, और वोट भी करेंगे, वोट भी प्रमोट भी, ऑल इन ऑल वी लव मोदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सिर्फ लव नहीं है, मतलब मेन बात ये कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं पब्लिक के लिए भी और बाहर भी, विदेशों में भी, यहाँ पर भी, तो काम को सलाम है। क्यों? और राहुल को भी कलाम कर रहा है कि नहीं कोई? भाई राहुल साहब को तो खुद को समझ नहीं आता, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, तो उनको कुछ नहीं मालूम, वो शायद वो जैसा वो लोग कहते हैं ना, वो वैसे कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, कभी इधर, कभी बुआ जी बना लेते हैं कभी किसी को, कभी दीदी बना लेते हैं किसी को, तो वो सिर्फ एक दिखावा है सिर्फ। मोदी जी वापसी कर पाएंगे या राहुल जी ले जाएंगे? 100% मोदी जी आएंगे, 100%। सब मिल गए, सर्वे दिखा रहा है कि जो पूर्ण बहुमत मिला था पिछली बार, इस बार 90 सीट कम हो गई। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो आएंगे मोदी जी। अच्छा, मोदी के अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी का सपना पूरा हो पाएगा प्रधानमंत्री? मतलब कभी भी नहीं, इस जन्म में तो नहीं होता, जन्म में ही नहीं होना। ना ना ना, मोदी जी आएंगे, सिर्फ मोदी जी। 2019 में किसका जन्म हो रहा? देखो जी अब क्या कहते हैं, ये तो जनता के ऊपर है भाई, जनता क्या करेगी, ये तो कहने की बातें हैं, कौन आएगा कौन नहीं, ये तो उसी दिन पता लगना जिस दिन पेटियां खुलनी है। तो ऐसे बात करो, नेता हो, नेता ही करते इतने घुमा के, तो इतने घुमानी पड़ती है बातें, क्या करना है? साफ साफ तो बताओ, तो 2019 में आ, मैं कह रहा हूँ ये तो उसी 2019 अच्छा, मोदी या राहुल, ये तो वक्त बताएगा। मायावती, कांग्रेस हो या कौन, कोई भी आ सकता है, प्रियंका कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी, खट्टर आ जाए दोबारा? खट्टर भी ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो कोई चेंज होना चाहिए अब। हाँ हाँ, आए कौन, देखो कौन आएगा भाई, जिसका जोर होगा वही तो आएगा। रेस में तो राहुल गांधी, प्रियंका, मायावती यही है ना, जोर तो पूरा लगा रहे हैं, जोर तो पूरा लगा रहे हैं ना, अब देखो कौन पास होता है इसमें। ठीक है, GST नोटबंदी के बाद कुछ उभरा मामला कि नहीं? डूबा ही है जी। तो 19 में क्या है फिर? देखो डूबना ही है सभी ने, उभरेगा कौन जो देखेंगे। कौन देख रहे हो अब, तो देख लिया अब, रह क्या गया? रह गया, देखेंगे, एक महीना और रह गया बस, सरकार चेंज, प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री देखेंगे, न्यू कोई भी, नाम तो बहुत सारे हैं ना, देखेंगे सर, लेकिन ये प्रधानमंत्री, GST एंड नोटबंदी, मार्केट डाउन।
मोदी को 5 साल हो गए हैं, अब क्या दिख रहा है, कौन आएगा, मोदी दोबारा आएंगे या राहुल गांधी ले जाएंगे सत्ता छीन के? आना तो मोदी आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। क्यों? ठीक ठीक ही चल रहा है। ठीक ठीक चल रहा है, बढ़िया नहीं चला है? बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, बढ़िया नहीं करा मोदी ने, कुछ बढ़िया भी करा है। अच्छा, तो व्यापारियों ने अपना मूड बना लिया कि 2019 को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, आप भी बताइए आपका कैसा मूड है, नीचे कमेंट कर दीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर घंटी बजाइए। फिर मिलते हैं कहीं और किसी और जगह। नमस्कार।